हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग कुछ अलग ट्राई करने जा रहे हैं। अगर आपको भी जानना है कि आज हम क्या ट्राई करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अभी आ चुके हैं अध्यक्ष छोले कुलचे पे। यहाँ का एड्रेस है सेक्टर 1 जीवन ज्योति हॉस्पिटल के बगल में। अभी हम यहाँ के छोले कुलचे भी ट्राई करेंगे, तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। हमारे छोले कुलचे रेडी हो गए हैं, हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी आलोक छोले कुलचे ट्राई कर रहा है। मजा आने खाने बहुत बढ़िया है। आलोक, आपको रायता कैसा लग रहा है? बढ़िया। अभी मैं भी छोले कुलचे ट्राई करके देखती हूँ। बहुत ही टेस्टी है और जो छोले का मसाला है वो बहुत ही लाइट मसाला है। मुझे लाइट मसाला अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। अलीना को भी और छोले कुलचे बहुत अच्छे लगे। क्या मैं भी रायता ट्राई करके देखती हूँ। बहुत टेस्टी रहता है। हाँ, बहुत ठंडा भी है, मजा आ गया रायते को पीकर। इनकी शॉप का नाम है दीक्षित कश्मीरी छोले कुलचे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी टैगलाइन है, एक बार खाओगे बार बार आओगे। यहाँ का खाना ही इतना स्वादिष्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आप कब से लगा रहे हैं यहाँ पर? डेढ़ साल हो गया। अच्छा, और आप किस किस तरह के छोले कुलचे मिलते हैं? हर जगह छोले कुलचे में मटन लगा के देते हैं। अच्छा। मैं टोटली काबली चना लगा के देता हूँ, मैं मटन नहीं लगाता हूँ। अच्छा, मैं काबली चना लगाता हूँ छोलों में। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। जिसमें मसाले होते हैं, दाल का मसाला, गरम मसाला, चाट मसाला और चना मसाला। अच्छा। उसका अलग टेस्ट होता है। मटन वाले जो छोले होते हैं उनका अलग टेस्ट होता है। अच्छा। ये बेहद स्वादिष्ट होते हैं और एक बार खाए तो बार बार याद आए और याद करें कि हाँ, कुछ कोई चीज़ खा कर आया हूँ। और इसके साथ में रायता भी दिया जाता है बूंदी का, जिसमें हींग का तड़का लगा हुआ है, स्वादिष्ट। और सलाद में बूंदी, चुकी मिर्च इत्यादि होती है। आप कुलचे किस चीज़ में फ्राई करते हैं? कुलचा दो तरह से है, एक तो अमूल मक्खन है। अच्छा। अमूल टिक्की आती है, अमूल मक्खन। हाँ, उसकी एक टिक्की में 40 रुपए की प्लेट है। अच्छा। और डिलीशियस मक्खन आता है, उसमें 30 रुपए की प्लेट है। अच्छा, डिलीशियस मक्खन में 30 रुपए की है और अमूल में 40 रुपए। अच्छा। तो अभी हम आए हुए हैं आवास विकास कॉलोनी 3B में। यहाँ पर बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं। अभी हम सेक्टर 3B देखिए, अभी समोसे गर्मा गर्म सिक रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और ये है यहाँ की फेमस जलेबी। जैसे ही सिक्के तैयार हो जाएंगे, हम भी टेस्ट करके आपको बताएंगे कि यहाँ के समोसे कैसे हैं। अरे, ये हमारे वीडियो से। जब तक समोसे तैयार हो रहे हैं, तब तक हम लोग जलेबी ट्राई करके देख रहे हैं। मैं जलेबी करता हूँ। वाओ, ये बढ़िया है। मजा आ गया। चलिए मैं भी इसे ट्राई करके देखती हूँ। बहुत टेस्टी है। मुझे जलेबी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए, हमारे समोसे आ चुके हैं, अब हम इन्हें ट्राई करके देखेंगे। पहले से आलोक ट्राई करके देख रहा है, क्योंकि आलोक को समोसे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कैसे हैं समोसे आलोक? बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, आलू को समोसे जो है बहुत ज्यादा टेस्टी लगे और जलेबियाँ भी बहुत टेस्टी थी। चलिए मैं भी इसे ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा है। बहुत यम्मी समोसा है।
अरे वाह मजा आ गया। अब हम आपकी बात करा रहे हैं इस शॉप के ओनर से। आपकी शॉप कब से खुली हुई है? अच्छा, और आपके यहाँ क्या क्या मिलता है? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।